दोस्तों, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी थी। क्योंकि वो मजदूरी का काम करता था, साथ में उसकी पत्नी भी हाथ बटा देती थी। लेकिन दोस्तों, समय चलते उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, तो अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर और बाहर शहर में पैसा पैदा करने के लिए चला जाता है। वहाँ जब पैसा पैदा करने के लिए चला जाता है, इधर उसकी पत्नी का जो प्रसव का समय था, बच्चा होने का समय था, वो नज़दीक था। शाम को उसके पेट में दर्द होता है, तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसे ले जाते हैं और उसे एक हॉस्पिटल में, जो नज़दीक हॉस्पिटल होता है, उसमें एडमिट करा देते हैं। उसे जब एडमिट कराते हैं, एडमिट कराने के बाद उसके पति के लिए फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी पत्नी इस हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम आ जाओ और इसे देखो वालो, इसके बच्चा होने को है, अपना संभाल लो। तो उसका पति जो होता है बड़ा खुश होता है, विचार करता है कि भगवान ने सुन ली, अभी हम दो लोग हैं, कल बालक होगा तो तीन हो जाएंगे। बड़ी खुशी खुशी वहां से चल देता है दोस्तों। जब खुशी खुशी चल देता है, लेकिन अकस्मात जो गाड़ी से आ रहा था, इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, और उसकी मौत हो जाती है। उस गरीब मजदूर की जब मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी पत्नी को नहीं बताया जाता है, उसके लड़का पैदा होता है। और हॉस्पिटल में जब लड़का पैदा होता है, तब उसको बताया जाता है, तो बेचारी परेशान होने लगती है और बिलखने लगती है दोस्तों। अंत में उस बच्चे का सहारा कौन था और उस महिला ने आखिरकार क्या किया? कहानी बड़ी दुख भरी है। इस कहानी को आप सुनेंगे, ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। थोड़ा समय निकाल कर कहानी अवश्य सुनिए, बड़ी अच्छी कहानी है, पारिवारिक है, एक दुख दर्द भरी कहानी है दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव और जो कहानी सुना रहा हूँ आपसे, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी पूरी अंत तक जरूर सुने दोस्तों। उधर उसका पति खत्म हो जाता है, उसका बालक पैदा होता है, तो अपने पति की आस को छोड़कर उस बच्चे पर वो आस लगा लेती है। बच्चा जो होता है, गांव के लोग थोड़ी उसकी मदद करते हैं। मदद करने के बाद वो बालक उसका 6 महीने का हो जाता है। मदद करने के बाद में और धीरे धीरे वो 6 महीना बाद अपनी मजदूरी करने लगती है। मजदूरी करने लगती है, उसके बाद में बालक धीरे 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 उसका 4 वर्ष का हो जाता है। मेहनत करती है, मजदूरी करती है, बच्चे का लालन पालन करती है दोस्तों। उसके बाद में जब 4 वर्ष का होता है, तो उसे स्कूल में पढ़ने के लिए उसे बैठा देती है दोस्तों। जब स्कूल में पढ़ने के लिए बैठाती है, अपनी मेहनत मजदूरी करती है, धीरे धीरे उसका जो बालक होता है वो 12 वर्ष का हो जाता है। जब 12 वर्ष का होता है, तो उसकी माँ को ऐसी एक बीमारी लग जाती है, जिस बीमारी के चलते उसका कोई तोड़ नहीं था। तो बालक अपनी माँ के पास शाम को बैठा है और माँ ने उसे बैठाया, कहा बेटा मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ। तो बच्चा कहता है, माँ मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवाई लेके आऊँगा, कुछ पैसे हो तो दे दो। माँ कहती है, बेटा अब दवा से कुछ नहीं होता, क्योंकि मर्ज इतनी फैल चुकी है जो कि दवा से अब कामयाबी नहीं होगी। मुझे मेरा अंतिम समय है, तुम अपना ख्याल रखना बेटा, और कभी भी किसी के आगे कितनी भी मुसीबत आ जाए हाथ मत फैलाना, अपने ही मेहनत करके और आप कमा के खा लेना, उसमें आपकी इज्जत हमेशा रहेगी, माँ ने बार बार कहा। लेकिन माँ के आंसू निकलते हैं, बालक भी बैठा हुआ माँ के पास रोने लगता है। जब बालक रोने लगता है और माँ के सराहने से जो रुपए थे लेके मुट्ठी में दाब के जाता है मेडिकल पर दवा लेने के लिए जाता है, तब तक उसकी माँ का देहांत हो जाता है, माँ भी मर जाती है। गांव के लोग देखते हैं इसकी माँ मर चुकी है, उस बच्चे को सांत्वना देते हैं, धीरज देते हैं और उसकी माँ का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन वो बच्चा पढ़ने में होशियार था, माँ कह गई थी बेटा पढ़ते लिखते रहना, हाथ किसी के सामने मत फैलाना, अगर मदद लेनी है तो उस परमात्मा से लेना, इतना कहकर वो चली जाती है दोस्तों। अब जो बच्चा होता है अपनी माँ की बात को याद रखता है, महीना 4 महीना तो लोगों ने खिला दिया इधर उधर, लेकिन वो पढ़ने जाता है, पढ़ने के बाद फिर मजदूरी पर जाता है, तो मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है।
एक दिन पढ़ के जब आया तो मजदूरी नहीं मिली, बेचारा घर आया, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, वही कमा लेता था, वही खा लेता था, पानी पी करके सो जाता है। उसने विचार किया आज नहीं तो कल कहीं मजदूरी मिल जाएगी। फिर वो दूसरे दिन जाता है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई नहीं छोड़ता है, फिर आता है लेकिन फिर भी उसे मजदूरी कहीं नहीं मिलती है, फिर एक गिलास पानी पीकर यूं ही गुजर कर लेता है। उसे 3 दिन हो जाते हैं बगैर भूख के। उसने विचार किया अगर हम किसी से जाकर किसी से कहें हमें भूख लगी है, लेकिन उसे उसकी माँ की कही हुई बात याद आने लगती है, जो उसकी माँ कह के गई कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, यही सोच करके बेचारा फिर रुक जाता है। लेकिन क्या करें, किस्मत ही कुछ ऐसी होती है। वो बालक एक दिन जा रहा था, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसे खाना नहीं मिला, और जो भी पैसा पैदा करता था, फीस भी अदा करता था, खाता था, एक दिन लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। गांव से बाहर एक घर बना हुआ था, बड़ा सा गेट था, बैठा हुआ एक पेड़ के नीचे रो रहा था, क्योंकि 3-4 दिन हो गए उसे खाना नहीं मिला था। तो उसने कहा चलो इस घर में चल के मांगते हैं, कुछ मिल जाएगा, हम बड़े होंगे पैदा करेंगे तब इसका दे देंगे। जैसे गेट पर पहुँचता है तो माँ एक महिला बैठी हुई होती है, बहुत नेक परिवार से होती है, उस बच्चे को देखती है, कहा बेटा आइए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, आओ, तुम्हें भूख लगी होगी बेटा, खाना खा लो। उसका चेहरा देख करके वो समझ जाती है महिला, लेकिन वो कहता है माँ केवल एक गिलास पानी की ज़रूरत है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लेकिन वो समझ जाती, अंदर जाती है और एक गिलास पानी की जगह बड़ा सा गिलास एक दूध लेके आती है, और हाथ में 4 लड्डू होते हैं, लड्डू लेकर आती है और उस बच्चे को देती है। तो बालक कहता है माँ मैंने तो केवल पानी मांगा था, आप ये सब लेके आई हो, मैं कहाँ से आपका चुकाऊंगा। बोले नहीं बेटा, तुम मेरे ही बेटा की तरह हो, आप इसे खा लो। दोस्तों इसके बाद में वो उसने खाता है, खाने के बाद उसे सुकून मिलता है, और यहाँ तक होता है दोस्तों कि जो वो पढ़ाई करने जाता था उसके पास इतना पैसा नहीं था, वही महिला एक दिन स्कूल के अंदर जाती है और उसकी पूरी साल की फीस जमा कर देती है और कहती है इस बच्चे को मत बताना फीस किसने जमा की है। लेकिन जब वो बालक जाता है फीस लेकर तो मास्टर मना करते हैं, बोले हमें किसी पर ऐसा नहीं करना है। लेकिन मास्टर साहब कहते हैं ये सरकार की तरफ से माफ हुआ है, आप चिंता मत करो। दोस्तों वहीं रह करके हाई स्कूल तक गांव के ही स्कूल में कर लेता है, गांव के स्कूल में हाई स्कूल तक करता है, उसकी फीस वही महिला अदा करती रहती है। उसकी फीस जो वो महिला अदा करती रहती थी, और जब वो लड़का वहाँ से निकल कर के बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो महिला फिर जाती है तो बताया जाता है कि उसका जो पढ़ाई का समय था यहाँ पूरा हो चुका है, वो बाहर गया है। दोस्तों वहाँ जहाँ पढ़ता था वहाँ भी जाकर वो महिला चुपके से उसकी फीस वहाँ भी जमा कर देती है। दोस्तों क्या संबंध था, और एक बेटा उस महिला के होता है, वो एक पैसे वाला था, पहले से भी संपन्न था, उसके घर में किसी की कमी नहीं थी। दोस्तों वो लड़का बाहर पढ़ लिख करके बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल डालता है, हॉस्पिटल एक शहर में खोल लेता है जो कैंसर का हॉस्पिटल होता है, और बड़े बड़े दूर से लोग उसके यहाँ इलाज कराने आते थे, और उसका अच्छा खासा हॉस्पिटल चल रहा होता है दोस्तों। लेकिन समय का फिर कुछ ऐसा होता है कि जो महिला ने उसे लड्डू और दूध दिया था वही महिला अकस्मात बीमार हो जाती है, बीमार हो जाती है। उसका लड़का होता है उसे आसपास दवा दिलवाता है लेकिन कोई आराम नहीं होता। जब आराम नहीं होता तो उस महिला को अपनी माँ को लेकर उस दूर शहर में जाता है, और उस हॉस्पिटल में वहाँ पैसा अधिक लगना था, तो उसकी माँ कहती बेटा मुझे बुढ़िया पर इतना क्यों तरस खा रहे हो, अरे मुझे तो एक दिन मरना ही है, आप इतने पीछे क्यों पड़े हो, मुझे मर जाने दो, क्या होगा मेरा। लेकिन वो लड़का कहता है माँ पैसा तो सारी ज़िंदगी पैदा करता रहूँगा, अगर माँ मर गई तो माँ बार बार नहीं आएगी, पैसा एक हाथ का महल है, बहुत सारा धन है, भगवान से कहकर फिर इकट्ठा कर लूँगा अगर हम सलामत बने रहे तो। दोस्तों अपनी माँ को लेकर और हॉस्पिटल में दूर शहर में जा करके एडमिट करता है, लेकिन वहाँ जब चेकअप होता है तो चेकअप में दोस्तों उसको कैंसर आया हुआ होता है, वो भी कैंसर पहली स्टेज पर होता है। डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ का पहली स्टेज पर ही फर्स्ट पर इसका है, तो ये सही हो जाएगी, पैसा तो खर्च हो जाएगा।
वो लड़का कहता है आप चिंता मत करो, जो भी पैसा खर्च होगा वो सारा पैसा मैं खर्च करूँगा और आप चिंता मत करो। उसकी माँ कहती है बेटा अरे क्यों इतना बर्बाद हो रहे हो, मुझे तो आन नहीं, 10 साल बाद मरना है, फिर मरना है, लेकिन आप इतना क्यों बर्बाद हो रहे हो। लेकिन बेटा तो बेटा होता है, माँ तो माँ होती है दोस्तों, इलाज उसका होता है बाकायदा इलाज। जब डॉक्टर होते हैं आप कहते हैं कि चिंता मत करो और आपका इलाज होगा, आपकी माँ सही हो जाएगी, लेकिन उस लड़के ने ये नहीं बताया कि मैं वही लड़का हूँ जो आपने मुझे दूध और लड्डू दिए थे, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था दोस्तों। उसका इलाज करता है, उससे कहा पैसे की इतनी जल्दी नहीं है, पैसा हम बताएंगे तब इकट्ठा हो जाएगा, तब हम मंगा लेंगे और आप चिंता मत करना। लेकिन उसका इलाज होता है, लगभग 2 महीने इलाज चलता है, उसी हॉस्पिटल में चेकअप होता है। इलाज जब चलता है, चलने के बाद और दोनों ही जब माँ और बेटा बैठे हुए बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और यहाँ पर हमें आराम मिला है, ठीक हो गए हैं, लेकिन एक आता है लड़का और बिल के लिए कहता है, तो उसकी माँ कहती है बेटा बिल कहाँ से ला करके आप दे सकते हो। तो कहा मैंने एक सेठ से बात कर ली है, घर गिरवी रख दिया है, ज़मीन गिरवी रख दी है, वो पैसा लेकर आज आ ही जाएगा और बिल भी जमा हो जाएगा, आप चिंता मत करो, घर सब कुछ गिरवी रख दिया है, फिर छुटा लेंगे। लेकिन ये बात जो माँ और बेटे में हो रही थी दोस्तों, वो बात वो बड़ा डॉक्टर सुन रहा था, जो लड़का जिसने उस बुढ़िया से दूध और लड्डू खाए थे, वो बड़ा ही डॉक्टर सुन रहा था एक जगह खड़ा हुआ दोस्तों। उसके बाद में जब उनका डिस्चार्ज होने को था, उनकी छुट्टी होने को थी, उससे पहले एक वहीं का कंपाउंडर आता है, लिफाफा होता है, और वो लिफाफा लेकर के आता है और उन्हें देता है और कहता है कि आप अपना काउंटर पे बिल जमा कर दो, डॉक्टर साहब का कहना है दोस्तों। जैसे वो लिफाफा देखता है, तब तक उसकी माँ कहती बेटा क्या है, बोले कुछ नहीं, बिल के लिए ये कागज आया है और आप वो आ रहा होगा, साहूकार पैसे दे देगा, जमींदार जमा कर देंगे। जब उस लिफाफा को वो लड़का खोल के देखता है, उसकी माँ खोल के जब उस पर पढ़वाती है, तो उसमें लिखा होता है कि बिल तो आपका उसी दिन जमा हो चुका था जिस दिन आपने 1 गिलास दूध और 2 लड्डू खिलाए थे। जब ये बात सुनती है, तुमने उसी दिन मेरा बिल आपका अदा हो चुका था जिस दिन कॉलेज में फीस जमा की थी आपने, उसी दिन आपने सब कुछ कर दिया था दोस्तों। ये बात सुनकर कि वो बुढ़िया समझ जाती है, ये कोई और नहीं, वही डॉक्टर है बना है जिस लड़का को मैंने आज से 25 साल पहले ये भूख के मारे तड़प रहा था, इसका कोई नहीं था, तो मैंने 1 गिलास दूध और 2 लड्डू खिलाए थे। तो उसका बेटा पूछता है माँ तुमने कब किया, बोले आज से 20-25 साल पहले मैंने ही इसकी फीस जमा की थी। जब ये बात वो सुनता है लड़का, तो वो भी उसका कंठ गदगद हो जाता है। उसके बाद माँ और बेटा दोनों कहते हैं कि धन है ऐसे सपूत को। तब तक वो बड़ा डॉक्टर होता है, उनके सामने हाजिर हो जाता है और जैसे ही बुढ़िया देखती है तो बुढ़िया पहचानने में नहीं आती, लेकिन उसने कहा मुझे कैसे आपने पहचाना, तो वो डॉक्टर कहता है जो आपकी आईडी थी, आपका गाँव मेरे गाँव की तो हो आप, मैंने तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन मैंने बताया इसीलिए नहीं कि आप ज़्यादा परेशान हो जाती और अब आप स्वस्थ हो, आपको कोई चिंता नहीं है, मैं भी आपका एक बेटा हूँ, डॉक्टर बन चुका हूँ, जो आपने मुझे मेरी सहायता की थी उस समय, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास इतनी गरीबी थी, खाने को नहीं थी, 3 दिन तक खाना नहीं मिला था, उस समय आपने मुझे 1 गिलास दूध और 2-4 लड्डू खिलाए थे, मेरी सारी फीस जमा की थी, अपने बेटा की तरह माना था, मैं वही आपका आज भी बेटा हूँ। तो वो बुढ़िया होती है अपने बच्चे को और उन्हें दोनों को अपने कंठ से लगा लेती है, गले से लगा लेती है और फपक फपक करके सब रोने लगते हैं, सब लोग डॉक्टर साहब की सराहना करते हैं और वो लड़का अपनी माँ को लेकर बाइज्जत अपने घर चला आता है। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी प्रशंसा होने लगती है कि डॉक्टर साहब एक नेक आदमी है, बहुत भले आदमी है, ईमानदारी से हर किसी का इलाज करते हैं दोस्तों। एक पारिवारिक कहानी हमने सुनाई, आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल
आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।